अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। मैं हूं उस्मान अमान। नजर डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। वफाकी वुजरा के परवेज मुशर्रफ पर अल्फाज के ताबड़तोड़ हमले। परवेज रशीद का कहना है कि साबिक सदर बंद गली में फंस गए, अस्पताल में रहे तो चीरफाड़ होगी। साद रफीक कहते हैं परवेज मुशर्रफ अनोखा लाडला नहीं, आम शहरियों जैसा ही सुलूक होगा। परवेज मुशर्रफ ने सियासी राबते तेज कर दिए। लीगल टीम की कराची में 9-0 पर एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात। अहमद रजा कसूरी का कहना है कि साबिक सदर गद्दार हैं तो वफादार कौन है। कराची में टारगेट किलिंग नहीं रुक सकी, फायरिंग से 1992 के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एएसआई और बच्चे समेत 7 अफराद जान बहक। कलदम तंजीम के 6 कारिंदों समेत 22 मुलजिम गिरफ्तार। कराची में टारगेट किलिंग की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 11 मुलजिमान की तस्वीर और खाके जारी। 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर की आमद पर हवाई फायरिंग करके कानून की धज्जियां उड़ाने वाले 10 मुलजिमों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची के हल्के 256 से एमकेएम के रुकने कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली की कामयाबी के खिलाफ दायर तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पिशावर में टैलेंट हंट स्कीम की रंगारंग तकरीब, शाहिद आफरीदी भी मौजूद। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड बनाने का ऐलान कर दिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के कंट्रोल का मामला हल न हो सका, वजीर आला पंजाब की यकीन दहानी के बावजूद महकमा पुलिस के कंट्रोल में देने का नोटिफिकेशन जारी न हुआ। दोहा में सैमुल की सीरीज जीतने के बाद कौमी विमेन टीम लाहौर पहुंच गई, कप्तान सनामीर कहती हैं जनूबी अफ्रीका से टाइटल जीतकर हौसले बुलंद हुए। और बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म ओ तेरी का ट्रेलर चेहरों पर मुस्कुराहट ले आया।